The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So क्या हो अगर आपको किसी प्रकार का कोई वायरस जैसे कोरोना वायरस जैसे स्वाइन फ्लू वायरस जैसे इबोला वायरस जैसे सार्स वायरस या कोई प्रकार का कोई बैक्टीरिया आपकी सांस की नली के थ्रू या बैक्टीरिया या फंगस या वायरस अंदर चला जाए अंदर और चला जाएगा फेफड़ों में आपके लंग्स में तो क्या होगा आपको होगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जब आपका गला खराब होता है जब आपको खर खर होता है जिसे हम सोर थ्रोट कहते हैं जब लोअर चला जाता है नीचे चला जाता है उसे कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें आती है आपके निमोनिया ARDS और बाकी सारे जितने भी इन्फेक्शन के वजह से होने वाली खूंखार बीमारियां सो एक निमोनिया पेशेंट एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया जाता है क्या आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं चाहे वो घर पे हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे क्लिनिक में जाके हो आज उसके बारे में हम करेंगे डिटेल में बातचीत और आपको बताएंगे उसके सारांश चाहे किसी भी प्रकार का वायरस हो चाहे कोरोना वायरस हो करना क्या होगा आपको डायग्नोसिस कैसे होगा ये उससे शुरू होता है देखिए सिम्टम तो वही आएंगे सर्दी खांसी किसी को बलगम किसी को नो बलगम किसी को नो बुखार किसी को हाथ पैर में दर्द किसी को गला खराब किसी को सांस फूलना तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे लेकिन जब भी कोई भी इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा नीचे यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सांस के अंदर फेफड़ों के अंदर तो आपको सांस फूलेगा सांस फूलना शुरू होना अपने आप में एक दिक्कत वाली बात है सो आपके डॉक्टर आपके पास जब भी आप जाओगे तो वो स्टेथोस्कोप से देखेंगे कि क्या कोई बबलिंग साउंड आ रहा है या कि क्रैकलिंग साउंड आ रहा है जब भी कभी बबलिंग साउंड या क्रैकलिंग साउंड आता है दैट मीन्स लंग के अंदर दिक्कत आ चुकी है ना व्हाट इज बबलिंग एंड क्रैकलिंग साउंड क्या मतलब इसका ये स्टेथोस्कोप से सुनते हैं हम तो सांस की नली में ऐसे पाइप होती बहुत सारी पाइप्स होती पेड़ के जैसे और पेड़ के पत्तियों के जैसे बहुत सारे छोटे 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 एल्वियोलाई गुब्बारे होते हैं वो पाइप के थ्रू हवा जाती है और एल्वियोलाई गुब्बारे फूलते हैं और आपके वो गुब्बारे जो फूलते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है अब क्या हो जाता है बिकॉज ऑफ निमोनिया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ARDS और SARS और कोरोना वायरस हो क्या जाता है इन दो चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है आपके सांस की नलियों में या उसके ऊपर एल्वियोलाई पत्तियों में या तो टहनियों में या पत्तियों में दोनों में क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर तो नलियों में इन्फ्लामेशन होगा सूजन होगी वहां पे पानी भरने लगेगा वहां का म्यूकस गाढ़ा होने म्यूकस बढ़ने लगेगा और वो बंद होने लगेंगी तो क्या होगा बिल्कुल जैसे एक बांसुरी में अगर आप या एक छोटे पाइप में आप पानी से निकालो बहुत छोटे पाइप में या स्ट्रॉ में पाइप में आप फू मार के देखो हवा मार के देखो आवाज आएगी फुट 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 है ना फुट 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 आवाज आती है वो आवाज जो है उसको हम कहते हैं बबलिंग साउंड यानी रोंकाएं वो रोंकाएं का मतलब है कि सांस की नलियों में आपके पानी भर रहा है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रहा है और अगर जब आपके एल्वियोलाई जो पत्तियों में जो सांस के फुफुले वो जो सांस के एल्वियोलाई जो एयरवे जो बलून्स हैं वहां पे अगर पानी भरता है तो वहां क्या होता है लिटरली वहां पे पट 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 आवाज आती है इसलिए क्रैकलिंग साउंड आता है टक टक पट 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 आवाज आती है तो हमें पता चल जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है अगर ये एक लंग के एक छोटे हिस्से में है तो थोड़ा इन्फेक्शन पूरे में फैला हुआ है तो जय हो बहुत जोरदार इन्फेक्शन हो चुका है सो ये हुई बातचीत दोस्तों सिम्टम्स की इस सिम्टम के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर ने लगा के सस्पेक्ट किया भैया ये तो इन्फेक्शन लग रहा है कृपया करें आप एक इन्फेक्शन के लिए एक बारी एक्सरे कराएं और इन्फेक्शन को गहराई को देखने के लिए आपका ब्लड टेस्ट कराया जाएगा आपको ब्लड टेस्ट में CBC और किसी प्रकार का जैसे कि ब्लड कल्चर आपका स्पूटम का आपका स्टेनिंग करके देख बलगम की जांच हो सकती है स्पूटम की स्टेनिंग होती है पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं स्पूटम के और भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं एनालिसिस करके पता कर सकते हैं और छाती का एक्सरे ये बेसलाइन होता है पहले के टेस्ट इसके बाद अगर हमें डाउट लगता है कि चीज़ क्लियर नहीं हुई अभी भी तो फिर CT स्कैन किया जा सकता है और अगर मान लो एक्सरे में CT स्कैन में या कहीं भी छाती में लग रहा है कि लंग के बाहर बहुत सारा पानी है अच्छा खासा मात्रा में जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं लंग के जस्ट बाहर हमने जो बाती करी
पानी पाइपलाइन में या एल्वियोलाई में, लंग के अंदर पानी है, हम लंग के बाहर भी कभी कभी पानी जमा हो जाता है, जब पूरा का पूरा लंग एक हिस्सा पूरा का पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो लंग बाहर भी पानी छोड़ने लगेगा, तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन वहाँ पर फिर उसको निकाल के भी जाँच की जा सकती है, लेकिन हम वो एल्वियोलाई के अंदर से नहीं निकाल सकते, फिर वो फिर ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ती है, वो एक डिफरेंट चीज है, राइट। सो नाउ प्लूरल फ्लूइड निकाल के उसकी जाँचें की जा सकती है, रिब्स के बीच में से सुई डाल के निकाला जा सकता है। सो इस तरह से जांच होती है कि आपको किस प्रकार का निमोनिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, उसके लिए फिर उसके टेस्ट किए जा सकते हैं आपके ब्लड से, आपके प्लूरल फ्लूइड से, उसके ऊपर से पता चलता है भाई ये तो ये कोरोना वायरस है, ये तो भाई बैक्टीरियल है, ये तो सिंपल न्यूमोकोकस है, वट एवर इट इज। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिनसे निमोनिया हो सकता है। अगेन ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन द कॉज। अगर हम हर एक के लिए एक ही ट्रीटमेंट देंगे बैक्टीरिया को भी वायरस को भी तो चलेगा नहीं, लेकिन कई बार एम्पिरिकली एंटीबायोटिक शुरू कर दिए जाते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है कम्युनिटी एक्वायर्ड बाहर से होने वाले निमोनिया जो ज़्यादातर वायरल हो सकते हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरियल हो सकते हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसीलिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपके टाइप ऑफ एजेंट, किसने आपको इन्फेक्ट किया उस पर डिपेंड करेगा, राइट। और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे आपको तीन चार चीज़ें बताएंगे। आपको बेसिक मेडिकेशन जो डॉक्टर देगा उसमें कभी कभी मोस्टली एक फीवर या पेन रिड्यूसिंग मेडिसिन होती है जिसको मैनेज करना होता है कि आपका बुखार जो है, देखिए बुखार आपके भले के लिए आता है, वो आता है कि बैक्टीरिया वायरस मर जाए, राइट। सो बुखार होना अच्छा है, लेकिन बुखार जब 103, 104, 105, 106, 107 तक चला जाता है तो आपका ब्रेन डैमेज कर सकता है, आपके काम धंधों में प्रॉब्लम आ सकता है, आप काम नहीं कर पाओगे, उठ नहीं पाओगे, इसलिए बुखार को हम कोशिश करते हैं 101, 102 के ऊपर ना जाने दें। इसे बुखार मैनेज करने के लिए फीवर रिड्यूसिंग पेन रिलीविंग मेडिसिन दी जाती है ताकि आप काम धंधे कर पाओ, बट देन टेक्निकली यू शुड टेक सम रेस्ट। देन सेकेंड चीज़ आपको चाहिए खांसी की मेडिसिन। अगर आपकी खांसी आपको रेस्ट ही नहीं करने पड़े, खाओ 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 बलगम निकले जा रहा बलगम निकले जा रहा, देन यू कैन डू सम कफ मेडिसिन कैन बी टेकन। ड्राई कफ को रिड्यूस किया जा सकता है, कफ सप्रेसेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन बलगम वाली कफ को रिड्यूस नहीं करना चाहिए बिकॉज वो एक्चुअली बलगम निकाल रहा है बाहर, वो बलगम निकालना अच्छा होता है। देन एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं अगर डाउट हो रहा है कि ये बैक्टीरियल है। वायरल के लिए एंटीवायरल मेडिकेशन दिए जा सकते हैं, कई एंटीवायरल मेडिकेशंस आते हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं ऐसे डेंजरस बीमारियों के लिए, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी एचआईवी जैसे बीमारियों के लिए एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस आते हैं। वैसे कभी हमें लगता है अगर डेंजरस वायरसेस हैं तो फिर वो दिए जाते हैं, राइट, एंटीवायरल रेट्रोवायरल, लेकिन एंटीबायोटिक्स आर वेरी कॉमनली गिवन, एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है। लेकिन एक वायरल अगर आ रहा है हफ्ते भर के अंदर अगर ठीक होने वाली बीमारी है तो एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं, इसलिए कायदे से एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, लोअर पे गया तो एंटीबायोटिक चलाना स्वाभाविक है, वो ले सकते हैं। फिर अगर दिक्कत बढ़ जाती है, मान लो चलो ये सब तो हुआ ओपीडी बेसिस, घर पे आप क्या कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, घर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफस्टाइल या होम रेमेडीज वो आपको समझना चाहिए। उसमें सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट जो है, सबसे ज़रूरी नुस्खा जो है, वो कोई जड़ी बूटी नहीं है, वो कोई मिक्सरण नहीं है कि दो चम्मच तीन चम्मच पानी घुमाओ गारंटी और ये चाहे पट से किसी भी बड़े से बड़ा ठीक, ऐसा कुछ नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज स्टे हाइड्रेटेड, यस, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी खूब सारा पियेंगे तो बॉडी एक्चुअली जो हीट जनरेट करती है उसके वजह से पानी के साथ आप झेल पाओगे, आपका म्यूकस सॉफ्ट होगा, आपके सिम्टम्स कम होंगे और आपकी बॉडी उसको आसानी से मार पाएगी। सो यू नीड वाटर टू फाइट ऑल्सो एनी केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी नीड्स वाटर, सो पानी खूब पीना, स्टे हाइड्रेटेड। सेकेंड नंबर की चीज़ आपको लेनी है प्लेंटी ऑफ रेस्ट, खूब सारा रेस्ट करें, थोड़े दिन की छुट्टी, एक दो दिन की छुट्टी ले लें, हॉस्पिटल सॉरी स्कूल कॉलेजेस उससे छुट्टी ले लें, अपने ऑफिस से छुट्टी ले लें, तो आपका बिल्कुल आराम से टेम्परेचर जैसे जैसे आपका कम हो जाएगा, दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी, आप फिर ऑफिस जा सकते हो। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स, और जो आपको दवाई चल रही है दे गई है वो सही टाइम पे लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि दो गोली ठीक लग रहा है अब मैं ठीक हूँ, अब गोली नहीं, कंप्लीट योर कोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो आप होम रेमेडी करें, और कुछ नहीं है, अदरक एनॉल ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं नाक खोलने के लिए, भाप ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं, बीटाडीन गार्गल, सलाइन वाटर गार्गल, ये सब एसोसिएटेड है, बट देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ये काम नहीं करेंगे, अपर के लिए करेंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भाप स्टीम काम कर सकती है,
पानी और रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मेडिसिंस, मेडिसिंस टाइम पे लें। अगर कोई 65 साल से ऊपर है, कोई बहुत छोटा बच्चा है, कोई कंफ्यूज महसूस हो रहा है, किसी को लग रहा है पेशाब नहीं आ रहा, किसी का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ऊपर या बहुत नीचे, किसी की ब्लड ब्रीदिंग बहुत रैपिड हो रही है, 30 से ज़्यादा एक मिनट में, कोई बहुत ताकत लगा लगा के ब्रीदिंग कर रहा है, टेम्परेचर लो हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, हार्ट रेट बहुत लो हो गई है, 50 से ज़्यादा कम या 100-150 हो गई है, 100 से ज़्यादा ही रह रही है हमेशा, तो ऐसे लोगों को एडमिट कर लेना चाहिए। बच्चा अगर 2 मंथ से छोटा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा लिथार्जिक है, बहुत ज़्यादा अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है बच्चे को, किसी प्रकार का डिहाइड्रेटेड महसूस हो रहा है, बच्चे को भी एडमिट करना चाहिए। सो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया जाता है। ये बेसिक जानकारी दुनिया में सबको होनी चाहिए, चाहे ये किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा वायरस आज आने वाला कल आने वाला हो, ये लाइन ऑफ मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। इसके अलावा टेक अ ब्रेक, एक बैलेंस डाइट चाहिए, अच्छे मात्रा में आपके विटामिंस आपके बॉडी में जाना चाहिए, विटामिन बी सी, आपका ओमेगा 3, वो रेगुलर होना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी बॉडी के अंदर वो ताकत होगी इससे लड़ने की। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, बाकी वी आर हियर, ओके, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।